News 18, India. नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज बिहार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही महागठबंधन के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और नीतीश कुमार ने बिना किसी विरोध के जीत हासिल कर ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और खबरों के मुताबिक उनके साथ कई विधायक भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। दिल्ली कूच करने की तैयारी कर चुके किसान संगठनों को रोकने के लिए दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर अर्धसैनिक बल की तैनाती के अलावा कीलें बिछाने से लेकर दीवारें तक खड़ी कर दी गई। और संदेश खाली में चल रहे आंदोलन के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में हुए हंगामे के बाद बीजेपी के 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर आई बिहार से। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वहां वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो आरजेडी विधायकों ने हंगामा कर दिया। इससे गुस्साए नीतीश ने वोटिंग की मांग कर दी, लेकिन इससे पहले आरजेडी ने सड़क से सदन तक प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती सड़क से हटाया, क्योंकि ये लोग विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए अड़ गए। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये सड़क पर ही बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की। प्रदर्शनकारियों को हटाना आसान नहीं था। एक कार्यकर्ता तो अड़ ही गया, उसे वहां से उठाने में पुलिस परेशान हो गई। इस कार्यकर्ता को जबरदस्ती वहां से हटाया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने जुटे बाकी लोगों को भी पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाने में पूरी ताकत झोंक दी। बड़ी संख्या में वहां पुलिस पहुंच गई। सड़क पर धरने पर बैठे एक एक प्रदर्शनकारी को हटाया गया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध करना बंद नहीं किया। ये सभी प्रदर्शनकारी विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उनका मार्च पूरा नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ही धक्का मुक्की हो गई। सारा हंगामा बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले हुआ, क्योंकि आरजेडी कार्यकर्ता बहुत देर तक सड़कों पर ही बैठे रहे। पुलिस ने जब उन्हें उठाना चाहा तो आरजेडी कार्यकर्ता उसी पर भड़क गए। धरने पर बैठने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इन लोगों को पुलिस ने वहां से हटने का फरमान सुनाया, लेकिन वो हटे नहीं, उल्टा पुलिस से ही भिड़ गए। नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ये बवाल इस आशंका में हुआ क्योंकि आरजेडी को शक था कि उसके विधायकों को पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया, और इसी वजह से कई आरजेडी कार्यकर्ता रात में ही तेजस्वी यादव के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। ये गहमागहमी इसलिए हुई क्योंकि पुलिस के कई बड़े अधिकारी आधी रात में तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे, और इसी बात पर आरजेडी कार्यकर्ता भड़क गए। वो भी तेजस्वी के घर के बाहर पहुंच गए। इन लोगों ने वहीं पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस गलत इरादे से तेजस्वी के घर में घुसी। रात के अंधेरे में दोबारा छापा मारा गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि पुलिस तेजस्वी के घर में मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं को लेने पहुंची। इसी बात पर वो भड़क गए। ठंड के मौसम में वो रात भर वहीं बैठे रहे, लेकिन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद सियासी तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि नीतीश सरकार ने ये टेस्ट पास कर लिया। उन्होंने पहले ध्वनि मत से और फिर वोटिंग के जरिए फ्लोर टेस्ट पास किया, और इसके बाद पटना में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। पटना की सड़कों पर पटाखों की लड़ियां बिछ गईं और आतिशबाजी शुरू हो गई। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने की खबर मिलते ही बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, ढोल बज उठे। मानो इस आवाज से एनडीए की कामयाबी को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं का ये जश्न लंबा चला। वो पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर जुटे और नीतीश सरकार को बहुमत मिलने की खुशी मनाई, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में कई तरह की अटकलें लगी। आरजेडी ने दावा किया था कि बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान बड़ा सियासी खेल होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर नीतीश ने तंज भी कसा। आप सुनना नहीं चाहते हैं, आपको हो क्या गया है? हम सब की बात सुने हैं। इससे पहले नीतीश के बोलने के लिए खड़े होते ही आरजेडी विधायकों ने खूब हल्ला मचाया।
और वोटिंग से ठीक पहले सदन से चले गए और फ्लोर टेस्ट का हिस्सा ही नहीं बने। इसके बाद वोटिंग हुई और नीतीश सरकार के पक्ष में 129 और विपक्ष में एक वोट भी नहीं पड़ा। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के 3 विधायक नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठे नजर आए। यानी एनडीए के साथ नहीं बल्कि आरजेडी के साथ खेला हो गया, क्योंकि 9वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने स्पीकर बदलने के लिए अपनी ताकत दिखाई और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। इस प्रक्रिया में सत्ता पक्ष की ओर से सदन में खड़े विधायकों में नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद भी शामिल थे। बाद में स्पीकर को हटाने के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। स्पीकर के हटते ही उपाध्यक्ष ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करवाई और पहले बोलते हुए तेजस्वी ने नीतीश को घेर लिया। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। तेजस्वी के इस हमले का नीतीश ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीतीश और तेजस्वी एक ही तरफ बैठे दिखे। इधर देश भर में कुत्तों के बढ़ते हमलों की खबरों के बीच दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से डरा देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ कुत्तों ने 65 साल की एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। एक रोज पहले हुई इस घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो में कुछ कुत्ते एक बुजुर्ग महिला को नोचने के लिए उन पर झपटते दिखाई दिए। अचानक कुत्तों के हमले से वो महिला बुरी तरह घबरा गई। वो खुद को बचाने के लिए अपनी शॉल को झटक कर कुत्तों को दूर भगाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उन कुत्तों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये घटना दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी आम्रपाली सेंचुरियन की बताई गई। बुजुर्ग महिला पर कुत्तों ने तब हमला किया जब वो सोसाइटी के बीच में बने खाली हिस्से से गुजरती नजर आई। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां बैठे 3 कुत्ते तेजी से उनकी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। चंद सेकंड के अंदर ही उन कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया। हालांकि एक कुत्ता वहां से भाग गया, लेकिन 2 कुत्ते उनके पीछे पड़ गए। महिला उन कुत्तों से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ती रहीं और वो दोनों कुत्ते उन पर झपटते और उन्हें नोचने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि थोड़ी देर बाद वो दोनों कुत्ते वहां से भाग निकले, लेकिन उनके हमले में वो बुजुर्ग महिला घायल हो गई। लेकिन इस हाउसिंग सोसाइटी में कुत्तों के हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पिछले महीने की 5 तारीख को भी इसी हाउसिंग सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने वहां घरों में काम करने वाली एक महिला पर हमला कर दिया था। जनवरी में हुए इस हमले का भी एक वीडियो सामने आया था और उसे देखने के बाद उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग दहशत से भर गए थे, क्योंकि उस वीडियो में आवारा कुत्ते उस महिला पर ऐसे झपटे थे जैसे वो उसकी जान ही ले लेंगे। जो वीडियो सामने आया था उसमें लोगों के घरों में काम करने वाली वो महिला वहां से गुजरती दिखाई दी थी। जैसे ही वो बीच में पहुंची, वहां बैठे 3 कुत्तों ने उस पर धावा बोल दिया था। खुद को बचाने की हड़बड़ाहट में वो महिला वहीं गिर गई थी। देखकर ऐसा लगा जैसे वो कुत्ते उसे बुरी तरह नोच डालेंगे, लेकिन अगले ही पल वो महिला उठी और जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से दौड़ पड़ी। उसके वहां से दौड़ते ही वो कुत्ते भी उसका पीछा करने लगे थे। हालांकि वो महिला उन कुत्तों से बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो गई थी। हैरानी की बात यह कि बुजुर्ग महिला पर कुत्तों का यह हमला ठीक उसी जगह पर हुआ जहां करीब 1 महीने पहले कुत्तों ने उस महिला को निशाना बनाया था। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी के इस खाली हिस्से में अक्सर आवारा कुत्ते बैठे रहते हैं और अकेला देखकर लोगों पर हमला कर देते हैं। और सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी कुत्तों के हमले का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से वो सिर से लेकर पैर तक बुरी तरह लहूलुहान हो गया। बताया गया कि बच्चा शाम के वक्त मंदिर जा रहा था और तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस बच्चे पर हमला कर दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्चा उन कुत्तों से बचने के लिए दौड़ता नजर आया, लेकिन डर की वजह से वो भागते भागते जमीन पर गिर गया और इसके बाद तो वो कुत्ते उस पर टूट पड़े। उन कुत्तों ने सिर से लेकर पैर तक उसे नोचना शुरू कर दिया। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो वो कुत्ते उस बच्चे को घसीट कर ले जाने की फिराक में थे। तभी उसने हिम्मत दिखाई और उन्हें धक्का देकर वहां से भाग निकला, लेकिन उन कुत्तों ने फिर से उसके पीछे दौड़ लगा दी। इस दौरान कुछ लोग उस बच्चे की चीख पुकार सुनकर घरों से बाहर आए और डंडा दिखाकर उन कुत्तों को वहां से भगाया। इसके बाद दौड़कर वो उस बच्चे के पास गए और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी समुदाय के एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। आरोप है कि 2 दिन पहले रात के वक्त कुछ लोगों ने उस लड़के को रास्ते में रोका और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी।
और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 2 मिनट 42 सेकंड के वीडियो में आदिवासी समुदाय का वो लड़का पीटने वालों से बार बार रहम की भीख मांगता दिखा, लेकिन नीले रंग की टी शर्ट पहना हुआ एक हमलावर लगातार उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाता दिखाई दिया। घूंसे और थप्पड़ मारते मारते उसने गुस्से में अपना सिर राजू उई के नाम के उस आदिवासी समुदाय के लड़के के चेहरे पर दे मारा। पिटाई की वजह से सहमा हुआ राजू उई के बार बार छोड़ देने और माफ कर देने की गुहार लगाता दिखा। लेकिन वीडियो में दिखाई दिया कि आरोपी लड़का बिना रुके उस पर कभी मुक्के बरसा रहा था तो कभी लात से हमला कर रहा था। थोड़ी देर लात घूंसे बरसाने के बाद राजू की पिटाई के लिए वो अपने एक दूसरे साथी से हॉकी स्टिक मांगता दिखा। भाई हॉकी दे यार, मैं तो उससे बोलता नहीं। हमला कर रहे आरोपी के सिर पर मानो खून सवार था। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे आरोपी भी लगातार राजू उइके को गालियां देते रहे और काफी देर तक पिटाई करने के बाद आरोपियों ने राजू उइके नाम के उस लड़के को मुर्गा बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो में दिख रहे एक आरोपी की पहचान कर ली गई। चंचल राजपूत नाम के उस मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों के खिलाफ राजू उइके ने मामला दर्ज करा दिया, क्योंकि चंचल राजपूत वायरल वीडियो में किसी जानवर की तरह उन्हें पीटता दिखाई दिया। लात घूंसे बरसाने के बाद चंचल राजपूत और उसके साथियों ने राजू को मुर्गा बना दिया। मुर्गा बनाने के बाद भी आरोपी चंचल राजू पर लात से हमला करता दिखा। इस दौरान पीड़ित राजू के मुंह से खून निकलता दिखाई दिया। चंचल राजपूत और उसके कारण साथी लोगों ने, बजरंग दल वालों ने मुझे उठा के लड्डी चौक पर ले जाके मारा। राजू की शिकायत के बाद पुलिस ने चंचल राजपूत समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसमें एक आरोपी नामजद है और शेष 3 आरोपी के बारे में बता रहा है जिसको वो जानता नहीं है। तो आदिवासी लड़के की पिटाई के इस मामले पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को घेर लिया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा गिराने के बाद भड़की हिंसा का एक और डरा देने वाला वीडियो सामने आया। उस वीडियो में लोगों की भीड़ थाने और सड़क पर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले करती दिखाई दी। ये वीडियो भी 8 फरवरी का बताया गया और इस वीडियो में अवैध मदरसा गिराने से नाराज लोगों की भीड़ वहां तांडव करती दिखाई दी। हल्द्वानी हिंसा का जो नया वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग बनभूलपुरा थाने में आग लगाते नजर आए, जबकि लोगों की भीड़ वहां से थोड़ी दूर खड़ी पुलिस की एक वैन में तोड़फोड़ करती दिखाई दी। तभी हंगामा करते हुए कुछ उपद्रवी वहां पहुंचे और उन लोगों ने थाने पर पत्थरों की बरसात कर दी। आग लगने की वजह से थोड़ी ही देर में थाने से भीषण लपटें उठने लगी। उस दौरान पास में खड़ी कई गाड़ियों को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। यही नहीं, इस वीडियो में गुस्से से तिलमिलाई लोगों की भीड़ पुलिस की वैन को पलटने के लिए उसे जोर जोर से हिलाती भी दिखी। उसी बीच एक उपद्रवी ने जलते हुए कपड़े से पुलिस की उस वैन में आग लगा दी थी। आरोप है कि 8 फरवरी को लोगों की भीड़ ने न सिर्फ थाने पर हमला किया था बल्कि आसपास मौजूद दुकानों और मकानों को भी नुकसान पहुंचाया था। आरोप ये भी है कि भीड़ ने थाने में मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों को भी जिंदा जलाने की कोशिश की थी। और इसी मामले में कोर्ट ने 25 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि इन लोगों ने 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जमकर तांडव किया था और वहां पुलिस वालों पर हमला करने के साथ थाने को भी आग के हवाले कर दिया था। इसी मामले में हिंसा और उपद्रव करने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 8 फरवरी को हल्द्वानी में अवैध मदरसे को तोड़ने के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि इस दौरान लोगों की भीड़ ने पुलिस वालों को निशाना बनाया था। इसके अलावा पुलिस ने ये दावा भी किया कि इस दौरान उपद्रवियों ने अवैध हथियारों के अलावा पुलिस वालों पर हमले के लिए लाइसेंसी हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। इसी वजह से प्रशासन ने हल्द्वानी के 127 लोगों के हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। बताया गया कि हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ और भी कई कार्रवाई करने की तैयारी है। आशंका यह है कि कहीं दोबारा अवैध मदरसा गिराने के दौरान हुई हिंसा जैसे हालात न बन जाएं। माना जा रहा है कि इसी वजह से एहतियातन वहां के डीएम ने हथियारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इस बीच प्रदेश के मथुरा से आई एक खबर की वजह से लोगों की रूह कांप उठी। वहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस और कार के बीच पहले जोरदार टक्कर हुई और फिर आग लग गई। इस हादसे में उस कार में सवार 5 लोग जिंदा जल गए, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक धमाका हुआ और वो बस आग की लपटों से घिर गई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो गैस सिलेंडर से भरे गोदाम में चिंगारी भड़क गई हो। वहां काफी दूर से ही सिर्फ आग की धधकती लपटें उठती नजर आईं और आसपास काले धुएं ने अपना कब्जा जमा लिया, जबकि उस बस में घुसी वो कार भी आग का गोला बन गई। बस और कार की खिड़कियों में लगे शीशे भी आग में चटक कर बिखर गए। इस दौरान वहां रुक रुक कर धमाके होते रहे, इसलिए भयंकर आग को काबू में करना बड़ी चुनौती बन गया। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, आग पूरी बस में फैल चुकी थी। यहां तक कि भीषण आग ने उस कार को भी अपनी चपेट में ले लिया और फिर वो कार भी लपटों में गिर गई।
बताया गया कि सुबह के वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर वो बस मुड़ रही थी, तभी वो डिवाइडर से जा टकराई। इस दौरान वो कार भी वहां से गुजर रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार तेज होने की वजह से वो बस से टकरा गई। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा बस के अंदर जा घुसा। इसके बाद कुछ मिनट में ही जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पर धमाका हो गया। उस बस और कार के तेल टैंक ने तो मानो किसी विस्फोटक का काम किया। बस में सवार लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन कार में सवार लोग तो दरवाजा तक नहीं खोल पाए और आग की खौफनाक लपटों में वो 5 लोग जिंदा जल गए। वहां ये दर्दनाक हादसा इतनी जल्दी हुआ कि उस बस में सवार लोग भी उनकी मदद नहीं कर पाए। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का आना जाना काफी देर तक बंद रहा। बताया गया कि वो बस बिहार से दिल्ली आ रही थी, तभी भीषण हादसा हो गया और बस में सवार कुछ लोग घायल हो गए। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कस्टडी बढ़ा दी गई। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। कोर्ट में दायर याचिका में यह भी जानकारी सामने आई कि ईडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले जेएमएम के नेता अमितेश सहाय के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। अमितेश सहाय की गिनती राज्य के बड़े कारोबारियों में भी होती है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनके अलावा एक और कारोबारी की यहां भी कार्रवाई की। हैदराबाद में ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में रैपिडो का बाइक राइडर अपने स्कूटर पर एक आदमी को बैठाकर धक्का देते हुए दिखाई दिया। बताया गया कि बीच रास्ते में स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद उस आदमी ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया था। ऐसे में रैपिडो का राइडर अपने स्कूटर को धक्का देकर किसी तरह पेट्रोल पंप तक पहुंचा। उधर रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव ने जयपुर में एक युवक को थप्पड़ मार दिया। एक दिन पहले एल्विश यादव जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रात में वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहीं पर उन्होंने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। जयपुर में रात में हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। इसमें रियलिटी शो से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव, उनकी टीम और एक पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, लेकिन तभी पीछे से किसी की बात सुनकर एल्विश यादव लौटे और एक युवक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना पुलिसकर्मी के सामने हुई। वो थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने लगा। इतने में एल्विश लौटे, वो गुस्से में दिखे, लगा कि वो फिर से कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, लेकिन उनकी टीम में मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। बाद में इस थप्पड़ कांड पर एल्विश का बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया कि थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति ने उनके परिवार के बारे में भद्दा कमेंट किया था और इसी बात पर भड़क कर उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। वैसे इस मामले की दोनों पक्षों में किसी ने पुलिस से शिकायत नहीं की। उधर बड़ी खबर आई दिल्ली से। किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस ने दिल्ली की घेरेबंदी कर दी। अलग अलग राज्यों से लगने वाली दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पहरा बढ़ा दिया गया। 12 मार्च तक पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया। बॉर्डर पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे तक तैनात कर दिए गए। अलग अलग किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत खेती से जुड़ी कई दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली है। 2020 में भी किसानों ने करीब एक साल तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया था और करीब एक साल बाद वो वहां से हटे थे। एक बार फिर किसानों ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए वो दिल्ली को घेरेंगे, लेकिन किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाने के साथ सड़क पर लोहे की कीलें बिछा दी। दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर तो 4 फीट ऊंची दीवार बना दी गई और सड़क पर बिछाने के लिए खास तरह की लोहे की बड़ी बड़ी पट्टियां मंगवा ली गई। इन पट्टियों में पहले से ही नुकीली कीलों को वेल्डिंग के जरिए जोड़ दिया गया था। ये बैरिकेड तो होगा ही, लेकिन ये जो कील बैरिकेडिंग जिसे कहते हैं वो भी कर दी जाएगी, जिससे कि अगर आप किसी भी गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप वहीं पर रुक जाएं। लोहे की नुकीली पट्टियों के अलावा पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर भारी मात्रा में कटीले तार भी मंगवा लिए। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए की गई 3 लेयर की बैरिकेडिंग दिखाई दी। सबसे पहले सीमेंट के बैरिकेड और उसके बाद लोहे के बैरिकेड रखे हुए दिखाई दिए। उनके ऊपर कटीली तार भी रखी नजर आई। इसके बाद सबसे आखिर में बड़े बड़े कंटेनरों को एक कतार में रख दिया गया। किसान अपने ट्रैक्टरों से इन कंटेनरों को हटाना दें, इसका भी इंतजाम कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों में कि इतना आसान नहीं होगा। जब इनके अंदर मिट्टी भर जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी वजनी हो जाएंगे और ये इनको हिलाया नहीं जा सकता है। यानी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का इंतजाम कर दिया। और किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर भी सिंघू बॉर्डर जैसे ही इंतजाम दिखे।
किसानों के आंदोलन को देखते ही पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते के एक हिस्से को बंद कर दिया गया। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाही लोगों से दूसरा रास्ता लेने की अपील करते दिखे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कुछ लोग हैं जो डाइवर्ट होते हुए रास्ता भी पूछ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के साथ भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मुस्तैद दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां रैपिड एक्शन फोर्स की कोई छावनी हो। किसानों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड के पास तैनात आरएएफ जवानों के हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूक भी नजर आई। यानी प्रशासन की तैयारी किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली की सीमा पर ही रोक देने की है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी कुछ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। लेकिन किसान संगठन दिल्ली में एंट्री न ले सके इसके लिए राजधानी को पहले ही किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस बात की आशंका है कि अगर किसानों के संगठन दिल्ली में घुसे तो हंगामा बढ़ सकता है। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया, लेकिन किसानों को रोकने के लिए की गई पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान हालात बिगड़ गए और अफरा तफरी मच गई, क्योंकि किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग के पास पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस की तरफ से छोड़े गए आंसू गैस के गोलों की वजह से वहां तेज धमाके जैसी आवाजें सुनाई दी। इसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में वहां चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। वहां खड़ी मीडिया कर्मियों की गाड़ियों के पास भी सफेद धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम वाटर कैनन की मदद से पानी छिड़कती नजर आई। पुलिस ने इस मॉक ड्रिल की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। हरियाणा की तरफ से किसान दिल्ली में दाखिल न हो सके इसके लिए शंभू बॉर्डर को बैरिकेड और पुलिस के जवानों से पाट दिया गया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों को रोकने के लिए किए गए इंतजामों ने 3 साल पहले हुए किसानों के आंदोलन की याद दिला दी। इस बीच खबर है कि सोनिया गांधी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलग अलग ये प्रस्ताव भेजे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में उनकी जगह सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग रखी गई। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। खबर है कि जल्द ही इस फैसले पर मोहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है और भूखा मरना है। उधर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से खौफ से भर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कई दबंगों ने मिलकर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। वो लड़का दलित समुदाय का बताया गया। पुलिस के मुताबिक मारपीट की यह घटना करीब 3 महीने पहले हुई थी, लेकिन पिटाई का वीडियो अब वायरल हुआ। तस्वीरों में 3 दबंग उस लड़के को थप्पड़ मारते और गंदी गंदी गालियां देते दिखे। 2 आरोपियों के हाथ में पिस्तौल भी नजर आई। वो लोग उस लड़के को एक सुनसान इलाके में ले गए थे और इसके बाद उसे डराना, धमकाना और पीटना शुरू कर दिया था। वीडियो में वो लोग बार बार उस लड़के को गलती मानने और पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए कहते दिखे। इस दौरान बुरी तरह डरे उस लड़के ने नीली टी शर्ट वाले आरोपी के पैर पकड़ लिए, लेकिन तभी उसने उस लड़के के मुंह पर जोरदार लात मार दी। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में 3 दबंग उस लड़के को बुरी तरह पीटते दिखे और वो उनके सामने जान बख्शने की गुहार लगाता रहा, लेकिन इसी बीच एक आरोपी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने उस लड़के की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। हालांकि बाकी दोनों आरोपियों ने उसे रोक लिया, लेकिन इसके बाद तीनों ने मिलकर एक बार फिर उस लड़के पर थप्पड़ बरसा दिया। मन भर पीटने के बाद आरोपियों ने उस लड़के को छोड़ दिया था, लेकिन तस्वीरों में दिखा कि जाने से पहले एक बार फिर नीली टी शर्ट वाले आरोपी ने उससे अपने पैर पकड़वाए और चेतावनी दी कि आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
बताया गया कि आरोपियों ने इलाके में दबदबा बनाने के लिए पिटाई का ये वीडियो भी बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों को लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़का दलित समुदाय का है और उसके साथ मारपीट की ये घटना करीब 3 महीने पहले हुई थी। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेताओं में एक अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को अपना इस्तीफा भेज दिया। लेकिन खबरें ये भी आईं कि उनके साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के कई विधायक और कुछ सांसद भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। शाम होते ही दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर गहमागहमी बढ़ने लगी। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की गाड़ियां मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंच गईं। सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण के बाद महाराष्ट्र के कई विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कुछ लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अगर ये अनुमान सही साबित हुए तो चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस की कमर टूट सकती है। इसीलिए जयराम रमेश ने अशोक चव्हाण को जवाब देने में देर नहीं की। अरे पार्टी ने उनको अपनी काबिलियत से भी ऊपर हटकर ज्यादा कुछ दिया है तो अफसोस होता है। हालांकि अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया और अभी आगे की योजना भी नहीं बताई। लेकिन माना जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से नाराजगी ही की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, जिसका जिक्र कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी ट्वीट कर किया। संजय निरुपम ने तो ट्वीट में ये तक लिखा कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने उनकी शिकायतों पर वक्त रहते एक्शन लिया होता तो ये नौबत न आती। हालांकि अशोक चव्हाण ने इस्तीफे की वजहों पर कोई बात नहीं की। कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है, मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े चेहरों में एक माने जाते हैं। वो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की भोकर सीट से 4 बार विधायक रहे और 2 बार नांदेड़ सीट से सांसद भी रहे। 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे और 2008 से 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर रहे, जबकि 2015 से 2019 तक वो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इधर फारूक अब्दुल्ला से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ हो सकती है। ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए समन्स भेजे। जांच एजेंसी ने उन्हें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में शामिल हुए 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये सभी लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए हैं। देश भर में ये रोजगार मेला कई जगहों पर आयोजित किया गया। सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बिपिन रावत की मूर्ति को प्रेरणा का केंद्र बताया कि उनके अंदर शौर्य, साहस और शालीनता तीनों का एक अद्भुत संगम था। उधर पाकिस्तान के चुनाव के नतीजों से गदगद इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने जेल में बंद इमरान खान का एआई मैसेज जारी कर दिया। आधिकारिक एआई मैसेज। इमरान की गिरफ्तारी के करीब 9 महीने बाद पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी के चुनाव प्रचार करने पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन चुनाव के नतीजों ने ऐसा उलट फेर किया कि इमरान समर्थकों ने जीत का शतक लगा दिया और इसी खुशी में पीटीआई ने जेल में बंद इमरान खान का एआई मैसेज जारी कर दिया और पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आजादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। इस पूरे संदेश में इमरान की आवाज सुनाई दी। कहीं कहीं उनके ऑडियो और वीडियो को भी मैच करने की कोशिश की गई। सबने आपके वोट की ताकत देखी है, अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो में साफ साफ लिखा गया कि इमरान की आवाज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई। 150 नेशनल असेंबली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स पर जीत रहे हैं। मतलब भले ही इमरान जेल में हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पीटीआई के लिए उनकी कमी को पूरा कर दिया। ये यूं कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीटीआई के लिए जादू की छड़ी बन गई, क्योंकि इस तकनीक के जरिए पीटीआई ने जेल में बंद इमरान खान के जीत के संदेश को पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा दिया। पीटीआई की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में नवाज शरीफ पर सीधा हमला किया गया।
और लंदन प्लान की बात करते हुए पीटीआई विरोधियों पर हमला किया गया। आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। संदेश में पीटीआई ने इमरान की आवाज में नवाज शरीफ को खूब कोसा। नवाज शरीफ एक कम जर्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नतायज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफी पर लिख रहा है। वीडियो के आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार इमरान की आवाज में उनका पुराना अंदाज भी नजर आया। आपने घबराना नहीं है, सेलिब्रेट करें और शुक्राना के नफल पढ़ें। 2 साल के सख्त जुल्म और नाइंसाफियों के बावजूद हमने 2024 इलेक्शंस 2/3 अक्सरियत से जीत लिया है। यानी पीटीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश की, क्योंकि बिना चिन्ह और रैलियों की इजाजत के इमरान खान की पार्टी ने 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया और फिर जेल में बंद इमरान की आवाज में संदेश भी जारी कर दिया। इस बीच खबर आई कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान से वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर बुरी तरह नाराज हो गए। सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों को बुरी तरह फटकार लगाई और उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा तय करने का अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान में नतीजों के बाद पीएम की कुर्सी के लिए जंग छिड़ गई। सूत्रों का दावा है कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी पार्टी से किसी को पीएम बनाना चाहते हैं, तो वहीं गठबंधन में उनके जोड़ीदार बिलावल भुट्टो खुद उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा जेल में बंद इमरान खान भी अपनी जीत का दावा कर चुके हैं और पाकिस्तानी सेना प्रमुख को यह डर सताने लगा कि कहीं इस रस्साकसी के बीच इमरान बाजी न मार लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की सेना का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आरोप है कि वहां की सेना ने उन्हें सत्ता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अगर ऐसे में इमरान ने दोबारा वहां प्रधानमंत्री पद पर कब्जा जमाया तो आसिम मुनीर के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तानी सेना प्रमुख नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर भड़क उठे और उन्होंने दोनों ही नेताओं को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने की चेतावनी दे डाली। इधर महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां मामूली विवाद के बाद एक होटल मैनेजर और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हो गई और उस होटल में आए कुछ लोग वहां के मैनेजर पर हावी हो गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सफेद शर्ट पहने उस मैनेजर और एक आदमी के बीच हाथापाई होती नजर आई। उन दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह जकड़ लिया और काफी देर तक एक दूसरे को पीटते रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन वो दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। दोनों एक दूसरे को मारते हुए उस होटल के बाहर पहुंच गए। इस दौरान वहां पहले से एक आदमी खड़ा था, उसने उस मैनेजर की शर्ट खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसकी वजह से उसे मार रहा वो दूसरा आदमी भी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हंगामा खत्म नहीं हुआ। वो लोग आपस में मारपीट करते रहे। इसके बाद उस होटल के कर्मचारियों ने उन लोगों को खींचकर अलग किया और मामला शांत करवाया। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने मनीष सिसोदिया को उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए ये राहत दी। वो दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के परिवारों के सदस्य भी वहां मौजूद रहे। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के लिए 500 साल के संघर्ष का भी जिक्र किया। राम इज अ फिगर फ्रॉम द पास्ट बट एन इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर। उधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके में बीजेपी विधायकों को जाने से रोकने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके करीबियों के खिलाफ पिछले कई दिन से आदिवासी समुदाय की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है कि शाहजहां शेख और उनके साथियों ने कई साल तक वहां रहने वाले लोगों पर अत्याचार किए। और इसी मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली जाने के लिए निकला, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। इसी के विरोध में संदेश खाली में बीजेपी के कार्यकर्ता एक थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और वहां नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाना शुरू किया, लेकिन विरोध जताने के लिए बीजेपी के समर्थक
सड़क पर ही लेट गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे लोगों को उठा उठाकर सड़क से हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से वहां के हालात और बिगड़ गए, क्योंकि जो लोग धरने पर बैठे थे वो भी सड़कों पर लेट गए और वहां नारे लगाने लगे। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा और उसकी वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के समर्थक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। और बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के अलावा संदेश खारी इलाके में रहने वाली महिलाओं ने राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का विरोध किया। ये घटना तब हुई जब केरल से लौटने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट से राज्यपाल सीधे उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के लिए रवाना हो गए, लेकिन जैसे ही वो उस इलाके में पहुंचे वहां रहने वाली महिलाओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें बड़ी संख्या में इलाके की महिलाएं हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस के काफिले का रास्ता रोककर खड़ी नजर आईं। इसके बाद एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ उन महिलाओं के पास पहुंचा और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। कई दूसरे लोग भी राज्यपाल के काफिले को वहां से निकालने में जुटे दिखाई दिए। इससे पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली की घटना पर दुख जताया। संदेश खाली पहुंचने के बाद राज्यपाल ने वहां रहने वाली कुछ महिलाओं से बातचीत भी की। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें राज्यपाल आनंद बोस सड़क पर धरने पर बैठी महिलाओं की बात सुनते दिखाई दी। एक महिला खड़ी होकर उन्हें पूरी बात बताती दिखी, जबकि उनके सामने कई महिलाएं धरने पर बैठी रही। बताया गया कि राज्यपाल ने महिलाओं को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। और संदेश खाली में आदिवासी समुदाय की महिलाओं पर हुए अत्याचार की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम वहां पहुंच गई। इस दौरान वहां रहने वाली कई महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। पिछले कई दिनों से संदेश खाली में रहने वाली कई आदिवासी महिलाएं टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने वहां पहुंचकर उनसे बातचीत की। बातचीत में उन महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं ने अवैध तरीके से उनकी जमीनें हड़प ली और उन्हें बिना मजदूरी दिए काम करने पर मजबूर किया गया। उन महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि जिसने भी शाहजहां शेख और उनके करीबियों का विरोध किया उस पर जमकर अत्याचार किए गए। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कुछ महिलाओं की आंखों से आंसू छलक उठे। लोगों का आरोप है कि शाहजहां शेख और उनके करीबियों ने उन पर कई तरह के जुल्म किए। कई महिलाएं हाथों में तख्ती लिए खड़ी दिखी, जिन पर पूरे इलाके में CRPF जवानों को तैनात करने की अपील की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे संदेश खाली इलाके में धारा 144 लागू कर दी। इसके अलावा संदेश खाली और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। और संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इसके बाद असंसदीय आचरण के आरोप में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 6 विधायक निलंबित कर दिए गए, क्योंकि संदेश खाली के मुद्दे पर नारे लिखी टी शर्ट पहनकर बीजेपी के विधायक विधानसभा में दाखिल हो गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया और उसमें बीजेपी के कई विधायक नारे लगाते हुए सदन के अंदर जाते नजर आए। बताया गया कि प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायकों ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 6 विधायकों को असंसदीय आचरण के आरोप में पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बीजेपी विधायकों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बंदोपाध्याय इज नोन फॉर द जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक आरोपी के गिरफ्तार होने का दावा किया, लेकिन जब उनसे शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो वो वहां से निकल गई। पिछले 6 दिन से संदेश खाली में तनाव का माहौल है। इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं, क्योंकि संदेश खाली में रहने वाले लोगों पर अत्याचार करने का आरोप टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर है। और पश्चिमी बंगाल के बर्धमान शहर में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब बीजेपी के समर्थक विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। और इसके बाद पुलिस ने सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां से हटाना शुरू किया।
इसका जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के कई जवान धरने पर बैठे बीजेपी के समर्थकों को उठाकर वहां से ले जाते दिखाई दिए। हालात संभालने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को वैन में बैठाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। हालांकि किसी तरह पुलिस के जवानों ने उन्हें वैन के अंदर बंद कर दिया। इस दौरान बीजेपी के समर्थक वहां नारेबाजी करते रहे। इससे पहले संदेश खाली के मुद्दे पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर शहर की एक सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। थोड़ी देर में प्रदर्शन की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने बातचीत कर उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, लेकिन वो लोग नहीं माने और विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने जबरन प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच दिल्ली में एक बार फिर एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली में एक बार फिर एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस बार साकेत में मौजूद एमिटी इंटरनेशनल स्कूल को धमकी मिली, जो एक ईमेल के जरिए दी गई। इससे वहां दहशत फैल गई और इस सूचना के बाद तुरंत स्कूल को खाली करवा लिया गया। हाल ही में दिल्ली में आरकेपुरम के डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया। इस बदलाव के तहत यूपी में ये यात्रा 16 फरवरी से 21 फरवरी तक होगी। पहले 26 फरवरी तक इस यात्रा का कार्यक्रम था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और पूर्व एमएलसी शहनाज गनई कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला करते हुए केंद्र सरकार की तारीफ की। इस सरकार ने आज पूरे देश में और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में हर गरीब को, हर किसान को, हर युवा को और हर महिला को सशक्त किया। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस की पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और पूर्व विधायक आजाद मोहम्मद समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा और मुक्केबाज स्वीटी बूरा भी बीजेपी में शामिल हो गई। तो परिवारवाद जो वंशावली है वो नहीं चलेगी। इधर राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों के बाद जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं ने जैसे ही उन लोगों को भागते देखा वो उनकी गाड़ी पर चढ़ गए। एक आदमी ने तो उस गाड़ी पर हमला करने के लिए पत्थर तक उठा लिया, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई और उस आदमी ने पुलिस के डर से वो पत्थर नीचे फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों को शांत करवाया और उस गाड़ी में बैठे लोगों को हिरासत में ले लिया। लोगों को हमने डिटेन किया है और उनके ऊपर आरोप था कि साहब ये कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उन लोगों पर एक होटल में महिलाओं और बच्चों समेत 300 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा। छोटे बच्चों को भी धर्म परिवर्तन के नाम पे प्रोत्साहित करने का काम कर रहे थे। और जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो वो उस होटल में पहुंच गए। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और वहां मौजूद लोग वहां से भाग निकले। इस दौरान उन कार्यकर्ताओं ने एक आदमी को दबोच लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। उधर तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ गया। राज्यपाल आर एन रवि ने विधानसभा में अपना अभिभाषण 2 मिनट से भी कम समय में खत्म कर दिया। उन्होंने सदन में खुलकर बोल दिया कि वो राज्य सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण के कई हिस्सों से असहमत है और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना अभिभाषण खत्म कर दिया। और इसके बाद सदन में मौजूद विधायक चौंक गए, क्योंकि राज्यपाल आर एन रवि ने केवल 1 मिनट 19 सेकंड में अपना अभिभाषण खत्म कर दिया। I conclude my address, wish this house, a productive and healthy discussion. आरएन रवि के ऐसा करते ही सदन में अभिभाषण को पूरा करने का दूसरा इंतजाम किया गया और पूरा अभिभाषण स्पीकर ने पढ़ा, क्योंकि आरएन रवि ने राज्य सरकार की ओर से दिए गए अभिभाषण की सच्चाई पर ही सवाल उठा दिए। This address has numerous passages with which I convincingly disagree. आर एन रवि अपने भाषण की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने से भी नाराज हुए। कुछ दिन पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपना संबोधन कुछ मिनटों में खत्म कर दिया था। उन्होंने केवल अभिभाषण का अंतिम पैराग्राफ पढ़ा था। तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में भी पहली बार राज्यपाल ने कुछ ही मिनटों में अपना भाषण खत्म कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के अमेठी से ठगी की चौंकाने वाली एक घटना सामने आई। आरोप है कि वहां 2 लोगों ने साधु का भेष बनाकर पूरे के पूरे गांव को ही ठग लिया।
पुलिस के मुताबिक नफीस नाम का आरोपी अपना नाम अरुण बताकर एक हफ्ते पहले अमेठी के पास कतौली गांव पहुंचा। इस दौरान उसने और उसके साथी ने खुद को साधु बताया और दावा किया कि वो उस गांव के रहने वाले रतिपाल नाम के एक आदमी का बेटा है जो करीब 22 साल पहले गायब हो गया था। इसके बाद उसने बाकायदा सारंगी बजाते हुए अपनी कहानी भी सुनाई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे। इस दौरान उसके ठीक बगल में बैठी रतिपाल की पत्नी उसे अपना बेटा मानकर फूट फूट कर रोती दिखी। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों को शक भी हुआ और उन्होंने उस पर अपनी पहचान साबित करने का दबाव भी बनाया। तो चिन्ह देख लेबू तो हम फिर दोबारा ना आएंगे। नहीं, अगर हमारा बात मानो तो चिन्ह न। इसके बावजूद वो किसी तरह उन सब का भरोसा जीतने में कामयाब रहा, लेकिन जब कुछ दिन बाद उसकी सच्चाई बाहर आई तो सबके होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक वो लड़का अरुण नहीं बल्कि नफीस था जो ठगी के इरादे से वहां आया था। आरोप है कि उसने गांव के कई लोगों से हजारों रुपए की उधारी ली और वहां से फरार हो गया। 10,80,000 मांगा गया, फिर बाद में 4,80,000 मांगा गया। इस बात से पर्दा तब उठा जब नफीस नाम के उस ठग के फरार होने के बाद रतिपाल और उनकी पत्नी के पास उधारी चुकाने के लिए फोन आने शुरू हो गए और तब तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी और तब जाकर ये बात सामने आई कि उन दोनों ठगों ने पहले तो इस बात की रेकी की कि उस महिला का बेटा पिछले 22 साल से लापता है। इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ उन्हें बेवकूफ बनाया और हजारों रुपए की ठगी करके वहां से चंपत हो गए। हालांकि पुलिस ने नफीस नाम के उस आरोपी और उसके साथी की तलाश शुरू कर दी। मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान नफीस नाम के उस ठग ने रतिपाल और उसके रिश्तेदारों से और पैसों की मांग भी की। इसके लिए वो रतिपाल की आईडी पर लिए गए मोबाइल नंबर के जरिए ही उसे फोन करता रहा। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने उसे ढूंढने का काम शुरू कर दिया और ये भरोसा दिया कि वो जल्द ही नफीस और उसके साथी को खोज निकालेगी। उधर NIA ने PFI के एक सदस्य को केरल से पकड़ लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने प्रतिबंधित संगठन PFI से जुड़े सदस्य और फरार आरोपी जाफर को केरल के कन्नूर से गिरफ्तार कर लिया। जाफर पर आरोप है कि वो भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। इस मामले में NIA 59 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कई जवानों को वाराणसी में थाई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के जरिए जवानों को न सिर्फ हमले से बचने के तरीके सिखाए गए बल्कि बदमाशों पर किस तरह अटैक करना है ये भी बताया गया। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के 150 जवानों को ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली पुलिस ने जीजा साले की जोड़ी वाले एक गैंग पर शिकंजा कसते हुए वीरू और गुर्जर नाम के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि उन पर चेन स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। बताया गया है वो दोनों अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में वन विभाग के दफ्तर में शराब पी रहे एक क्लर्क का वीडियो बना रही महिला कर्मचारी को धमकी देने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। शिवराज सिंह नाम के उस क्लर्क पर ड्यूटी के दौरान ऑफिस में शराब पीने और नशे में होने के आरोप पहले भी लगे थे और एक बार फिर वो ड्यूटी के दौरान दफ्तर में बैठकर शराब पीते दिखे। बगल में बैठी एक महिला कर्मचारी ने अपने मोबाइल कैमरे में उनकी इस हरकत की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इससे शिवराज सिंह बुरी तरह भड़क गए। गुस्से में उन्होंने टेबल के नीचे छिपाकर रखी बोतल को निकाला और कैमरे के सामने लहराने लगे। इसके बाद उन्होंने उस बोतल से एक कप में शराब उड़ेल दी। फोटो खींचना है? फोटो में नहीं खींच रहे। नहीं, आप खींचो ना। हाँ। अपनी गलत हरकत पर पछतावा होने के बजाय शिवराज सिंह उनका वीडियो बना रही महिला पर बुरी तरह चीखते चिल्लाते दिखे। इसको भी खींचो, इसको इसके साथ भी खींचो। साथ ही महिला कर्मचारी को धमकाने और कैमरे के सामने शराब की बोतल लहराने के बाद उन्होंने ऑफिस के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठकर शराब के घूंट लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान उन्होंने वीडियो बना रही महिला कर्मचारी को बर्बाद कर देने की धमकी दी। हम तो नहीं रहूंगा, तो तुमको बर्बाद करके जाऊंगा, इसको लिख लो। वीडियो वायरल होने के बाद क्लर्क शिवराज सिंह के खिलाफ वन विभाग ने एक्शन ले लिया। दफ्तर में शराब पीने और महिला कर्मचारी को धमकी देने के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस बीच कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में अपना प्री वेडिंग शूट कराना भारी पड़ गया। उनका ये वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उन पर नकली ऑपरेशन करते हुए अपना प्री वेडिंग शूट कराने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो में डॉक्टर अभिषेक और उनकी मंगेतर ऑपरेशन थिएटर में नजर आए। इस दौरान उनकी मंगेतर सर्जरी करने में उनकी मदद करती दिखी। हालांकि ये ऑपरेशन पूरी तरह से नकली था और जैसे ही शूट पूरा हुआ डॉक्टर समेत वो मरीज भी स्ट्रेचर से उठकर हंसने लगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें
गैर जिम्मेदार बताते हुए उन पर निशाना साधने लगे। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, कर्नाटक का स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक्शन में आ गया। इसके बाद वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर अभिषेक के खिलाफ एक्शन ले लिया। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक दुकान के बाहर खड़े एक आदमी पर अचानक कई लोग टूट पड़े। इस दौरान कई दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन उसे बचाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वो लोग झुंड बनाकर आए और उस आदमी पर डंडों की बरसात कर दी। सबसे पहले उनमें सफेद शर्ट पहना एक लड़का उसके पास पहुंचा और धक्का देकर उसे पीछे गिरा दिया। तभी गुलाबी शर्ट पहने एक लड़के ने उस आदमी के पैर पर जोर से डंडा मार दिया। इसके बाद तो सफेद शर्ट पहना वो लड़का उसकी पीठ पर डंडे मारता रहा और वो आदमी उस दुकान की सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे की तरफ जा गिरा। इस दौरान 4 से 5 दूसरे लड़के भी उसे पीटते रहे और वहाँ मौजूद लोग पिटाई देखकर घबरा गए। हालांकि कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से जाते दिखाई दिए, लेकिन गुलाबी शर्ट पहना वो लड़का वहीं रुक गया। ऐसा लगा मानो उसके सिर पर खून सवार हो गया, क्योंकि वो उस आदमी पर एक के बाद एक डंडे मारकर अपना गुस्सा निकालता दिखा। उधर जयपुर में एक बाल सुधार गृह से 22 बच्चे भाग निकले। जयपुर में बाल सुधार गृह से एक साथ 22 बच्चों के फरार होने की खबर आई। बताया गया कि वो सभी दीवार बांध कर बाल सुधार गृह से भाग निकले। इस घटना के बाद पुलिस उन्हें पकड़ने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लूट की खबर से हड़कंप मच गया। आरोप है कि कुछ नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 2 घरों में जमकर लूटपाट की। पुलिस ने इस मामले में 8 बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया। वो घुसाया दरवाजा तोड़ के अंदर। बिहार के कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहाँ एक बस के पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 48 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि वो बस रांची से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जा रही थी। इसमें जो है कि जितने घायल थे उन घायलों को इलाज हेतु विभिन्न हॉस्पिटल में भेजा गया। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वहां मच्छरों के बवंडर ने शहर के कई इलाकों पर हमला कर दिया। वहां से आए वीडियो में दिखा कि हजारों की तादाद में मच्छरों ने पुणे के अलग अलग हिस्सों में आसमान पर कब्जा कर लिया और फिर वहां मच्छरों का चक्रवात दिखा। मतलब जैसे बवंडर आता है, ठीक वैसे ही मच्छर आसमान में मंडराते नजर आए। इसे देखकर लोग हैरत से भर गए, क्योंकि इससे पहले रेत या फिर धूल के बवंडर तो कई जगहों पर देखे गए, लेकिन पहली बार नजर आए मच्छरों के इतने बड़े चक्रवात ने सबको चौंका दिया। आसमान में वो मच्छर काफी ऊंचाई पर उड़ते नजर आए। मच्छरों का ये बवंडर कई जगहों पर तो 20-20 मंजिला इमारतों से भी ऊंचा चला गया। इसके बाद पुणे के कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई। इतना बढ़ गया है कि लिटरली आते जाते भी वो पूरा मतलब लग जाता है। आरोप लगाया गया कि वहां मौजूद तालाबों के आसपास के इलाके की सफाई कई महीनों से नहीं की गई थी। आशंका जताई गई कि इसी वजह से वहां हजारों की तादाद में मच्छर पनप गए। इसके बाद पुणे के कई इलाकों से ऐसे ही डरावने वीडियो सामने आए, जिनमें आसमान के बड़े हिस्से पर मच्छरों के झुंड का कब्जा नजर आया और इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गए। इसके बाद प्रशासन ने वहां कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया। इसके अलावा ड्रोन की मदद से दवा का छिड़काव भी किया गया, ताकि पुणे के लोगों को इन मच्छरों के बवंडर से राहत मिल सके। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां 11वीं के एक छात्र की उसी की क्लास में पढ़ने वाले लड़के ने बेल्ट से बुरी तरह पिटाई कर दी और घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। और उस वीडियो में दिखा कि आरोपी ने उस छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। वो छात्र रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसी की क्लास में पढ़ने वाले उस आरोपी का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। उसने कभी बेल्ट से मारा तो कभी पीठ पर मुक्के बरसा दिए। बताया गया कि आरोपी ने उस छात्र को एक मोबाइल सिम कार्ड अपनी प्रेमिका तक पहुंचाने के लिए दिया था, लेकिन जब उसने ये काम करने से इनकार कर दिया तो उस छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, पिटाई का ये वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। बाद में पीड़ित छात्र के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित और आरोपी दोनों 11वीं के छात्र बताए गए। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार बस ने एक स्कूल बस को जोरदार टक्कर मारी। हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ बच्चे उस स्कूल बस में चढ़ रहे थे और तभी पीछे से आ रही उस तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि सुबह के वक्त वो स्कूल बस बच्चों को ले जाने के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर पहुंची थी। इस दौरान जब स्कूल जाने के लिए कुछ बच्चे सड़क किनारे खड़ी उस बस में चढ़ रहे थे, तभी वो दूसरी बस तेज रफ्तार में पीछे से आई और उसे भयंकर टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद।
बड़ी खबर आई बिहार से। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वहां वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो आरजेडी विधायकों ने हंगामा कर दिया। इससे गुस्साए नीतीश ने वोटिंग की मांग कर दी। लेकिन इससे पहले आरजेडी ने सड़क से सदन तक प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती सड़क से हटाया, क्योंकि ये लोग विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए अड़ गए। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये सड़क पर ही बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की। प्रदर्शनकारियों को हटाना आसान नहीं था। एक कार्यकर्ता तो अड़ ही गया, उसे वहां से उठाने में पुलिस परेशान हो गई। इस कार्यकर्ता को जबरदस्ती वहां से हटाया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने जुटे बाकी लोगों को भी पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाने में पूरी ताकत झोंक दी। बड़ी संख्या में वहां पुलिस पहुंच गई। सड़क पर धरने पर बैठे एक एक प्रदर्शनकारी को हटाया गया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध करना बंद नहीं किया। ये सभी प्रदर्शनकारी विधानसभा तक मार्च निकालने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उनका मार्च पूरा नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ही धक्का मुक्की हो गई। सारा हंगामा बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले हुआ, क्योंकि आरजेडी कार्यकर्ता बहुत देर तक सड़कों पर ही बैठे रहे। पुलिस ने जब उन्हें उठाना चाहा तो आरजेडी कार्यकर्ता उसी पर भड़क गए। धरने पर बैठने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इन लोगों को पुलिस ने वहां से हटने का फरमान सुनाया, लेकिन वो हटे नहीं, उल्टा पुलिस से ही भिड़ गए। नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ये बवाल इस आशंका में हुआ क्योंकि आरजेडी को शक था कि उसके विधायकों को पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया, और इसी वजह से कई आरजेडी कार्यकर्ता रात में ही तेजस्वी यादव के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। ये गहमागहमी इसलिए हुई क्योंकि पुलिस के कई बड़े अधिकारी आधी रात में तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे, और इसी बात पर आरजेडी कार्यकर्ता भड़क गए। वो भी तेजस्वी के घर के बाहर पहुंच गए। इन लोगों ने वहीं पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस गलत इरादे से तेजस्वी के घर में घुसी। रात के अंधेरे में दोबारा छापा मारा गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि पुलिस तेजस्वी के घर में मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं को लेने पहुंची। इसी बात पर वो भड़क गए। ठंड के मौसम में वो रात भर वहीं बैठे रहे। लेकिन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद सियासी तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि नीतीश सरकार ने ये टेस्ट पास कर लिया। उन्होंने पहले ध्वनि मत से और फिर वोटिंग के जरिए फ्लोर टेस्ट पास किया, और इसके बाद पटना में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। पटना की सड़कों पर पटाखों की लड़ियां बिछ गईं और आतिशबाजी शुरू हो गई। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट पास करने की खबर मिलते ही बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, ढोल बज उठे। मानो इस आवाज से एनडीए की कामयाबी को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं का ये जश्न लंबा चला। वो पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर जुटे और नीतीश सरकार को बहुमत मिलने की खुशी मनाई, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में कई तरह की अटकलें लगी। आरजेडी ने दावा किया था कि बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान बड़ा सियासी खेल होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर नीतीश ने तंज भी कसा। आप सुनना नहीं चाहते हैं, आपको हो क्या गया है? हम सब की बात सुने हैं। इससे पहले नीतीश के बोलने के लिए खड़े होते ही आरजेडी विधायकों ने खूब हल्ला मचाया और वोटिंग से ठीक पहले सदन से चले गए और फ्लोर टेस्ट का हिस्सा ही नहीं बने। इसके बाद वोटिंग हुई और नीतीश सरकार के पक्ष में 129 और विपक्ष में एक वोट भी नहीं पड़ा। माननीय सदस्यगण, आपके पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के तीन विधायक नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठे नजर आए। यानी एनडीए के साथ नहीं बल्कि आरजेडी के साथ खेला हो गया, क्योंकि नौवीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने स्पीकर बदलने के लिए अपनी ताकत दिखाई और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े। इस प्रक्रिया में सत्ता पक्ष की ओर से सदन में खड़े विधायकों में नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद भी शामिल थे।
बाद में स्पीकर को हटाने के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। स्पीकर के हटते ही उपाध्यक्ष ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करवाई और पहले बोलते हुए तेजस्वी ने नीतीश को घेर लिया। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। तेजस्वी के इस हमले का नीतीश ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नीतीश और तेजस्वी एक ही तरफ बैठे दिखे। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कस्टडी बढ़ा दी गई। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। कोर्ट में दायर याचिका में यह भी जानकारी सामने आई कि ईडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले जेएमएम के नेता अमितेश सहाय के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। अमितेश सहाय की गिनती राज्य के बड़े कारोबारियों में भी होती है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनके अलावा एक और कारोबारी की यहां भी कार्रवाई की। हैदराबाद में ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में रैपिडो का बाइक राइडर अपने स्कूटर पर एक आदमी को बैठाकर धक्का देते हुए दिखाई दिया। बताया गया कि बीच रास्ते में स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद उस आदमी ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया था। ऐसे में रैपिडो का राइडर अपने स्कूटर को धक्का देकर किसी तरह पेट्रोल पंप तक पहुंचा। उधर रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव ने जयपुर में एक युवक को थप्पड़ मार दिया। एक दिन पहले एल्विश यादव जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रात में वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहीं पर उन्होंने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। जयपुर में रात में हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। इसमें रियलिटी शो से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव, उनकी टीम और एक पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, लेकिन तभी पीछे से किसी की बात सुनकर एल्विश यादव लौटे और एक युवक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना पुलिसकर्मी के सामने हुई। वो थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने लगा। इतने में एल्विश लौटे, वो गुस्से में दिखे, लगा कि वो फिर से कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार बस ने एक स्कूल बस को जोरदार टक्कर मारी। हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ बच्चे उस स्कूल बस में चढ़ रहे थे और तभी पीछे से आ रही उस तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि सुबह के वक्त वो स्कूल बस बच्चों को ले जाने के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर पहुंची थी। इस दौरान जब स्कूल जाने के लिए कुछ बच्चे सड़क किनारे खड़ी उस बस में चढ़ रहे थे, तभी वो दूसरी बस तेज रफ्तार में पीछे से आई और उसे भयंकर टक्कर मार दी। वो टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो बस घिसटते हुए थोड़ी दूर तक चली गई और उसके पीछे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टक्कर होते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई और उन्होंने तुरंत उस बस के ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया गया कि इस हादसे में बस में सवार 2-3 बच्चों को भी मामूली चोटें आईं। इधर लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में एक शादी समारोह के बाद दी गई दावत में छिड़ी जंग के हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। बताया गया कि वहां डांस फ्लोर पर नाचने को लेकर दूल्हे के साथ आए लोग दुल्हन पक्ष के लोगों से भिड़ गए और इसके बाद दावत खाने को कौन कहे, वहां तो मानो लोग एक दूसरे का खून पीने को उतारू हो गए। किसी के हाथ में कुर्सी दिखी तो किसी के हाथ में कुर्सी के टूटे हुए पैर दिखाई दिए, जिसे जो मिला वो उसी का इस्तेमाल करके सामने वाले पर हमला करता नजर आया। वहां लोग ऐसे लड़ रहे थे कि समझ नहीं आया कि दूल्हे की तरफ से किसने मोर्चा संभाला और दुल्हन पक्ष की तरफ से कौन जंग में उतरा। इस मारपीट के बीच ही एक लड़का दूसरे लड़के को खींचता हुआ एक और लेकर जाता दिखा, लेकिन कुछ ही पलों बाद उस लड़के के ऊपर एक साथ कई लोग टूट पड़े। कोई उस पर मुक्के बरसाता दिखा तो कोई कुर्सी के टूटे हुए टुकड़ों से उसे पीटता रहा। किसी तरह वो लोगों के चंगुल से छूटकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, लेकिन तब तक दूसरी ओर एक लड़का लोगों के बीच फंस गया। फिर तो उस पर भी एक साथ दर्जन भर लोग हाथ साफ करते दिखे और इसी तरह दावत की वो जगह घंटों तक अखाड़ा बनी रही। वहां सिर्फ दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लड़के ही मारपीट नहीं कर रहे थे, बल्कि दोनों पक्ष की महिलाओं ने भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वीडियो में दिख रही एक महिला ने तो एक लड़के पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसा दिए। हालांकि इस दौरान कई महिलाएं वहां चल रहे झगड़े को रोकती भी दिखी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो ऐसा कर पाने में नाकाम रही। उन्होंने कई बार आपस में गुत्थम गुत्था हुए लड़कों को पकड़कर अलग अलग करने की कोशिश की, मगर वहां लड़ रहे लोगों पर तो मानो भूत सवार हो गया था। वो एक दूसरे को कुर्सियों से ऐसे मार रहे थे कि कई कुर्सियों के परखचे उड़ गए। इसके बाद पुलिस भी वहां आ गई। बताया गया कि पुलिस के आने तक ये जंग जारी रही। 9 फरवरी को हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो गया।
बताया गया कि बात तब बिगड़ी जब वहां बने डांस फ्लोर पर नाचने को लेकर विवाद शुरू हुआ और इस मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए। उधर सीमा पर पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम कर दी गई। सेना ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारत और पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। दावा है कि सेना के जवानों ने उस ड्रोन को देखते ही उस पर गोलियां चला दी, इसकी वजह से वो ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में लौट गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक गहने की दुकान में चोरी की घटना से सनसनी मच गई। आरोप है कि वहां कुछ बदमाश उस दुकान में शटर तोड़कर घुसे और करीब 35 लाख रुपए के गहने उड़ा लिए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। लगभग 30-35 के करीब मेरा नुकसान हो गया। खबर है कि 23 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 15 फरवरी से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच से विकेटकीपर केएस भरत की छुट्टी हो सकती है। इस बीच स्वीडन के एक अम्यूजमेंट पार्क में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां अचानक एक झूले में आग लग गई थी और इसके बाद तो उस झूले की आग को दूसरे झूलों तक पहुंचने में मिनट भर की देरी भी नहीं लगी। थोड़ी ही देर में पूरा अम्यूजमेंट पार्क आग की लपटों से घिर गया। वहां के यतबोरे से आए इस वीडियो में एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कई ब्लास्ट हुए हों। वहां इतनी भयंकर आग लगी कि उस इलाके में सिवाय आग की लपटों के कुछ और नजर ही नहीं आए, जबकि उसका धुआं आसपास के दूसरे इलाकों में भी पहुंच गया, क्योंकि दमकल कर्मियों की तमाम कोशिशों के बाद भी वो आग विकराल रूप ले चुकी थी और उस पर काबू पाना उनके लिए एक चुनौती बन गया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे के वक्त वो अम्यूजमेंट पार्क पूरा खाली था, जिसकी वजह से कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन जिसने भी आग की इन खौफनाक तस्वीरों को देखा वो बुरी तरह डर गया। बताया गया कि आग के खतरे को देखते हुए उस पार्क के आसपास की कई इमारतों को भी खाली करवा दिया गया। उधर अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान ने अमेरिका के एक नागरिक के बदले उसकी कैद में मौजूद एक खूंखार आतंकी को रिहा करा लिया। तालिबान ने कुछ दिन पहले रायन कॉबेट नाम के अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया था और उसे छोड़ने के बदले उसने अमेरिका के सामने शर्त रखी और अमेरिका से ये मांग की कि अगर वो रायन कॉबेट को वापस चाहता है तो उसे अपनी जेल में बंद ओसामा बिन लादेन के करीबी रहीम अकमल को रिहा करना होगा। रहीम अकमल वो आतंकी है जिसे 2007 में पाकिस्तान के लाहौर से गिरफ्तार किया गया था और फिर उसे अमेरिका की जेल में सड़ने डाल दिया गया था। हालांकि तालिबान कई बार पहले भी उसे रिहा कराने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन जैसे ही उनके हाथ अमेरिका का नागरिक लगा उन्होंने इस मौके को भुना लिया और अमेरिका तक ये संदेश पहुंचा दिया कि अगर उसने रेहान अकमल को रिहा नहीं किया तो उसका नागरिक अफगानिस्तान से कभी लौट नहीं पाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि तालिबान अब खुलेआम अमेरिका से आतंकवादियों की रिहाई की डील करने लगा और उसने सिर्फ ओसामा बिन लादेन के करीबी रहीम अकमल को छोड़ने की डिमांड नहीं की, बल्कि उसकी लिस्ट में 5 और लोग भी शामिल थे। हालांकि अमेरिका इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद कतर ने इस मामले में दोनों के बीच समझौता कराया, जिसके बाद अमेरिका को मजबूरन रायन कॉबेट नाम के अपने नागरिक को छुड़ाने के लिए रहीम अकमल समेत 2 अफगान नागरिकों को आजाद करना पड़ा। इस बीच पाकिस्तान में हुए चुनावों के बाद पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए। वहां बेतहाशा महंगाई से परेशान लोगों ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महंगाई रोकने में उन्हें पूरी तरह नाकाम बताया। पीओके के स्कर्दू में इकट्ठा हुए लोगों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने आरोप लगाया कि बेतहाशा महंगाई की वजह से लोग भूखे सोने को मजबूर हो गए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। ये तुम्हें तड़पा तड़पा क्या मार रहे हैं ये लोग? सड़कों पर उतरे लोगों ने खुलकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनके पास गाड़ियां फ्री, इनका पेट्रोल फ्री, इनकी बिजली गैस फ्री, इनकी सब चीजें फ्री और जो भी बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। लेकिन ये पहली बार नहीं जब पीओके में वहां की सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह देखने को मिला। इससे पहले भी कई बार पीओके के अलग अलग हिस्सों में लोग खुलकर उनके खिलाफ खड़े नजर आए। इस बीच आरबीआई ने साफ कर दिया कि पेटीएम को राहत मिलना मुश्किल है। आरबीआई ने साफ कर दिया कि डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम पर हुई कार्रवाई के फैसले पर दोबारा विचार करने की गुंजाइश न के बराबर है। हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लोगों का पैसा जमा करने पर रोक लगा दी थी। इस प्रतिबंध के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगी। ये कार्रवाई नियमों का पालन न करने के आरोप में की गई थी। खबर है कि बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों पर कार्रवाई कर सकता है। खबर है कि बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी से दूर रहने वाले ईशान किशन समेत कई खिलाड़ियों से नाखुश है। खबर है कि फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह ने गोवा में शादी करने का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक पहले वो दोनों विदेश में शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में ही शादी करने की अपील के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने लक्षद्वीप दौरे में युवाओं से ये अपील की थी। कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। कुछ दिन पहले 73 साल के मिथुन चक्रवर्ती को अचानक सीने में तेज दर्द उठा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल जांच में पता चला था कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ लड़कों ने एक दुकानदार पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, और उन लड़कों से बचने के लिए वो भागते हुए एक दुकान में घुस गया। इससे पहले कि उस दुकान में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, वो लड़के भी वहां घुस गए और उस दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। एक लड़का उसे लगातार थप्पड़ मारता रहा तो दूसरे ने उस पर घूंसों की बरसात कर दी। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के बिना रुके उसे मारते रहे। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। उसे सुनकर आसपास की दुकानों से भी कुछ लोग वहां आ गए और उन लड़कों को भगाया। आरोप है कि पुरानी रंजिश की वजह से उन लड़कों ने बीच रास्ते में उस दुकानदार पर हमला कर दिया और वो जान बचाने के लिए उस दुकान में घुस गया था। उधर पटना से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां दानापुर में दो बदमाशों ने भीड़ वाली जगह में घुसकर एक दुकानदार को गोली मार दी। सरेआम हुई गोलीबारी की वारदात से वहां दहशत मच गई, क्योंकि उन बदमाशों ने बड़े ही आराम से उस दुकानदार पर फायरिंग कर दी। तस्वीरों में एक मोटरसाइकिल पर सवार वो दोनों बदमाश एक दुकान के बाहर रुकते नजर आए। इस दौरान उनमें एक बदमाश मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा, लेकिन पीली जैकेट पहने उसका साथी मोटरसाइकिल से उतरा और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उस दुकानदार पर गोली दाग दी। इस दौरान उस दुकान में दो लोग मौजूद थे, जबकि दूसरी तस्वीर में उस दुकान के बाहर एक ग्राहक भी खड़ा दिखाई दिया। उसने इतनी तेजी से वारदात को अंजाम दिया कि वहां आसपास खड़े बाकी लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो गोली चलाते ही कुछ ही सेकंड में मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और वो दोनों बदमाश वहां से भाग निकले और गोली लगने की वजह से वो दुकानदार घायल हो गया। बताया गया कि इस वारदात के बाद उन बदमाशों ने वहां एक और दुकानदार पर गोली चला दी। इधर कतर ने भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया। कतर ने जासूसी के आरोप में पकड़े गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया। उनमें 7 पूर्व सैनिक अपनी रिहाई के बाद भारत लौट आए। उनकी रिहाई को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। कतर में उन्हें जासूसी के आरोपों के बाद फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में उनकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। जो काम हुआ है उसमें प्रधानमंत्री जी और कतर अमीर के जो है उनका भी आभार धन्यवाद कि ये संभव हो पाया। यूएई की राजधानी अबू धाबी में खुलने जा रहे हिंदू मंदिर में न्यूज 18 की टीम पहुंच गई। करीब 27 एकड़ में फैले इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपने यूएई दौरे में करेंगे। 2000 से 5000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति की अपेक्षा है वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों से प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात की। इस दौरान कर्पूरी ठाकुर के परिवार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए पीएम का आभार जताया। भारत रत्न देने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से इन्हें बधाई देने आया था। उधर हमास से जंग के बीच इसराइल ने गाजा में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के एक दफ्तर के नीचे हमास की एक बहुत बड़ी सुरंग ढूंढ निकाली। इसराइल की सेना ने आरोप लगाया कि उस दफ्तर से हमास की सुरंग तक बिजली पहुंचाई जा रही थी, और इसराइल ने उस सुरंग का वीडियो भी जारी किया। तस्वीरों में दिखा कि वो सुरंग फिलिस्तीनियों को राहत पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के दफ्तर के ठीक नीचे मौजूद है। इसराइल ने दावा किया कि उस सुरंग तक बिजली की सप्लाई UNRWA के दफ्तर से की जा रही थी। इसराइल की सेना के एक अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के उस कमरे को भी दिखाया जहां से तारों के गुच्छे जमीन के अंदर जाते दिखे। हालांकि उस इमारत के आसपास सुरंग के खुलने का कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन इसराइल के सैनिकों ने जमीन के कई फीट नीचे मौजूद उस सुरंग के एक हिस्से को खोद डाला, जिसके बाद वो साफ साफ दिखाई देने लगी। UNRWA के दफ्तर में जाने के बाद इजरायली सेना के वो अधिकारी सुरंग के अंदर पहुंच गए। भूल भुलैया जैसे रास्ते से गुजरते हुए वो सुरंग में उस जगह पहुंचे जिसके ऊपर UN का दफ्तर मौजूद है। वहाँ बिजली के बड़े बड़े उपकरण और ऊपर से आते तार दिखे, लेकिन दावा किया गया कि हमास के लड़ाकों ने उस सुरंग को छोड़ने से पहले UN के दफ्तर से आने वाले बिजली के तारों को काट दिया था। इसराइल की सेना के मुताबिक हमास की वो सुरंग दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई, जिसके पहले हिस्से में सुरंग का जाल दिखा। उसमें कई जगह नीचे कीचड़ और मिट्टी बिखरी नजर आई।
काफी देर तक उस सुरंग में चलने के बाद इजराइल के सैनिक उस अड्डे के दूसरे हिस्से में पहुंचे जहां कई बड़े कमरे दिखाई दिए। वहां बहुत सारा सामान बिखरा नजर आया। तस्वीरों में एक तिजोरी भी दिखी, हालांकि उसे पहले ही खाली कर लिया गया था। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इस सुरंग में रहने का पूरा इंतजाम कर रखा था, क्योंकि वहां एक शौचालय भी मिला। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास की इस सुरंग की लंबाई 700 मीटर से ज्यादा है, जो उत्तरी गाजा में मौजूद UNRWA के दफ्तर के नीचे से होते हुए एक स्कूल के पास खुलती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने अपने दफ्तर के नीचे हमास की सुरंग होने के दावे की जानकारी होने से इनकार कर दिया। उसके मुताबिक गाजा में इजराइल के हमले के 5 दिन बाद ही उस दफ्तर को बंद कर दिया गया था। इस बीच गाजा में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन चला रही एजेंसी पैलेस्टाइन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इजराइल की फौज पर गंभीर आरोप लगाए। उस एजेंसी ने 6 साल की एक बच्ची से फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की और आरोप लगाया कि इजराइल की फौज ने जानबूझकर 2 एम्बुलेंस को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 6 साल की बच्ची भी शामिल रही, जिसका नाम हिंद रजब बताया गया। दावा किया जा रहा है कि मरने से पहले यह बच्ची घंटों तक शवों के बीच दहशत के साए में जीने को मजबूर रही। डरी सहमी बच्ची ने कई बार फोन कर मदद मांगी और मदद के लिए पहुंच रही टीम से जल्द आने की अपील की। हिंद रजब उस वक्त भले ही फिलिस्तीन की भाषा में बोल रही थी, लेकिन उसका डर और उसकी मासूमियत उसकी आवाज में साफ महसूस हो रही थी। इसलिए इस ऑडियो के सामने आने के बाद इजराइल की फौज के उस ऑपरेशन पर सवाल उठने लगे, जिसमें हिंद रजब और उसके परिवार के 4 लोग मारे गए। इसके अलावा बचाव एजेंसी की भेजी गई 2 एम्बुलेंस के ड्राइवर भी मारे गए। आरोप लग रहे हैं कि इजराइल की फौज ने जानबूझकर उन एम्बुलेंस को निशाना बनाया ताकि वहां कोई भी जिंदा न बच पाए। और इजराइल के ऐसे ही हमलों की वजह से ईरान में लोग बुरी तरह भड़क गए। ईरान के अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और तेहरान में तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के झंडे तक जला डाले। क्योंकि भीषण जंग के दौरान दक्षिणी गाजा में इजराइल की सेना ने बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। खबरों के मुताबिक हवाई हमलों में वहां 50 से ज्यादा लोग मारे गए। इसलिए जंग में चरमपंथी संगठन हमास का समर्थन करने वाले कई देश भड़क गए। ईरान में तो बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रदर्शन किया और इजराइल के साथ अमेरिका के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। तेहरान की सड़कों पर तो प्रदर्शन कर रहे लोगों का सैलाब नजर आया। वहां फिलिस्तीन का झंडा लेकर लोगों ने इजराइल और अमेरिका के विरोध में नारे लगाए और कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर भी दिखाई दिए, जिनमें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लिखे होने का दावा किया गया। इस दौरान वहां प्रदर्शन में सेना की ड्रेस में एक बच्चा बंदूक थामे हुए दिखाई दिया। वहां की सेना ने तो मिसाइल दाग कर अपनी ताकत दिखा दी। इस बीच शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। भारी बिकवाली की वजह से भारतीय शेयर बाजार पर दबाव रहा, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी गिरकर बंद हुए। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन IT और फार्मा सेक्टर के शेयर ही हरे निशान पर बंद हुए, जबकि FMCG, PSU बैंक, कैपिटल गुड्स, मेटल, पावर और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 523 अंक गिरकर 71,072 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 166 अंकों की गिरावट के साथ 21,616 के स्तर पर आ गया। जनवरी महीने में खुदरा महंगाई दर 5.1% रही। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में ये दर पिछले 4 महीनों के उच्चतम स्तर 5.69% पर थी। इसके अलावा दिसंबर महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट 3.8% रहा। अमेरिका में पिछले साल 59,000 भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता दी गई। अमेरिकी प्रशासन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अमेरिकी नागरिकता पाने वाले विदेशी नागरिकों की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर रहा। उधर महाराष्ट्र के बुलढाणा से हैरान कर देने वाली एक खबर आई। वहां छेड़छाड़ के एक आरोपी को महिलाओं ने खूब पीटा। बताया गया कि आरोपी ड्राइविंग सिखाता। उस पर आरोप लगा कि उसने ड्राइविंग सीखने आने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ की और इसी के बाद महिलाओं ने उसे खूब पीटा। उस पर थप्पड़ों की बरसात हो गई। महिलाओं ने छेड़छाड़ के इस आरोपी की पिटाई का वीडियो भी बनाया। इसमें आरोपी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता दिखा। इस पर गुस्साई एक महिला ने उसके पेट और चेहरे पर मुक्के बरसा दिए। दूसरी महिलाओं ने भी इस आदमी की खबर ली। अंत में उसके गले में जूतों की माला भी पहनाई गई। बताया गया कि महिलाओं की मार खाने वाला यह आदमी ड्राइविंग सिखाता है और इस पर ड्राइविंग सीखने आने वाली महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगा। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक महिला सड़क किनारे हुए एक 25 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। इसके बाद वहां तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दमकल कर्मियों की एक टीम मशीन के जरिए उस महिला को निकालने में जुट गई।
मशीन से एक रस्सी जुड़ी हुई थी जिसे उस गड्ढे में डाला गया। इसके बाद उस रस्सी के जरिए उस महिला को खींचकर बाहर निकाला गया। जैसे वो महिला उस गड्ढे से बाहर आई, उसे वहीं एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया और तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार उस महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कैलिफोर्निया में कई दिनों से जारी बारिश की वजह से वहां कई बड़े बड़े गड्ढे हो गए और वो महिला सड़क किनारे हुए ऐसे ही एक गड्ढे में गिर गई। अब तक का इतिहास यही है, उगते हैं कट जाते हैं। अब तक का इतिहास यही है, उगते हैं कट जाते हैं, हम जितना होते हैं अक्सर उससे भी घट जाते हैं। सौबात की एक बात कही अश्क ने, अपने अपने हथियारों की दिशा तो कर ली जाए ठीक, वरना वार कहीं होता है, लोग कहीं कट जाते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की बात।